हाय, आप लोग को याद है मैंने लास्ट वीक एक वीडियो डाली थी जहाँ पे मैंने बोला था कि मैं अपना Q&A वीडियो जल्द ही शूट करने वाली हूँ. सो दिस इज इट. सॉरी फॉर द डिस्ट्रैक्शन. सो या, दिस इज इट. आई रिसीव्ड अराउंड 20 क्वेश्चंस, आई गेस 15 to 20 क्वेश्चंस. और बस अभी चलो, मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी माई फर्स्ट Q&A वीडियो, माई फर्स्ट इंटरेक्टिव सेशन. सो हाँ, चलिए शुरू करते हैं. ओके, सो यहाँ पे मैंने बस अपना लैपटॉप खोल के रखा है. आई एम गोना रीड द क्वेश्चंस एंड आंसर टू देम. ओके, सो नागराज राजमणिकम, आई एम सॉरी इफ आई जस्ट यू नो स्क्रूड अप योर लास्ट नेम, बट हाय, आई रिमेंबर यू पार्टिसिपेटेड इन दैट पोएम कॉम्पिटिशन आई ऑर्गेनाइज, राइट? एंड आई रेड योर पोएम, आई लव्ड इट, यू आर रियली टैलेंटेड. अच्छा, सी क्वेश्चन भी उसी पे है. व्हेन यू विल ऑर्गेनाइज अनदर पोएम राइटिंग कॉम्पिटिशन? अभी तो नहीं बेटा, अभी नहीं. अभी मेरा कोई वैसे कुछ प्लान नहीं, बिकॉज तब क्रिसमस का टाइम था तो मन में एक ऐसा आइडिया आ गया था कि अगर कुछ ऐसा पोइम राइटिंग कॉम्पिटिशन रखती हूँ सो मे बी पीपल विल पार्टिसिपेट, बट अभी आई डोंट थिंक इन द नियर फ्यूचर बिकॉज ऑल्सो इट इन्वॉल्व्स, आई शुड नॉट बी सेइंग दिस, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ वर्क बिकॉज आप इतने सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो उनके पोइम्स आई you have to go through each comment very particularly and you have to choose the winners, फिर आपको उनको obviously कुछ देना पड़ेगा, and so you have to take all of that responsibility which I don't think I can spare time for right now. So but yeah, maybe in the near future someday, और जब भी करूँगी मैं I'll ज़रूर inform you. All right, maybe not a poem writing competition but हाँ, something like that, कुछ ऐसे contest kind of, because I loved it कि आप लोगों ने इतना अच्छा response दिया था उस competition को. So yeah, ओके, सो या, दैट इज द आंसर टू योर क्वेश्चन. ओहो, अभिलिप्षा पंडा. गाइज, बिफोर गेटिंग इन टू अ क्वेश्चन, आई वॉन्ट टेल यू समथिंग. टूडे इज अभिलिप्षाज बर्थडे. शी इज ऑल्सो अ बडिंग यूट्यूबर एंड द बेस्ट बर्थडे गिफ्ट फॉर हर इज गोइंग टू बी इफ यू जस्ट गो टू हर चैनल एंड सब्सक्राइब टू हर चैनल. मे बी आई लीव द लिंक टू हर चैनल इन माई डिस्क्रिप्शन. ओके, गो हैड सब्सक्राइब टू हर चैनल, दैट वुड मेक हर रियली हैप्पी. यू कुड जस्ट गिव अ very special birthday gift to her, and she is an entertainer. Okay, I promise she is never going to disappoint you with her content, because mujhe to khair editing aur wo sab bilkul meri akal hi nahi chalti hai us mamle mein, but she is really great at it and she is matlab full package of entertainment, so you're going to love her. Just go and check out her account, and if you like it then do subscribe. I promise she is never going to disappoint you with her content, and if she does, bas mujhe bol do, main dhapad laga dungi acche se, theek hai? जाके कर देना. अरे अरे, तुम तो गिर जाने वाले हो भैया, रुक जाओ. हाँ, तो आते हैं. अच्छा, इसने शायद कुछ, ओके, शी हैज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, 5 questions टू बी प्रिसाइज. चलो जल्दी जल्दी आंसर करते हैं. व्हाट वुड योर ड्रीम सरप्राइज लुक लाइक? ड्रीम सरप्राइज, एक्चुअली माय ड्रीम इज टू बाय माय ओन हाउस, बट देन इट वोंट रिमेन अ सरप्राइज बिकॉज आई विल हैव टू डू इट मायसेल्फ, राइट? नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर मी. बट सरप्राइज यार, वैसे कोई मतलब अगर मैं सरप्राइज के बारे में सोच लूँ अभी से तो आई डोंट थिंक इट्स गोना बी अ सरप्राइज एनी मोर. सो या, आई डोंट, आई मीन, वॉज दिस अ वेरी बोरिंग आंसर, बट या, आई एम जस्ट बींग ऑनेस्ट. टेल इज अबाउट योर वन रॉन्ग डिसीजन टेकिंग साइंस इन 11th and 12th, फॉर श्योर, बिकॉज उस टाइम पर मुझे बहुत लोगों ने समझाने की कोशिश की थी. इवन मेरे खुद के पेरेंट्स को ऐसा कुछ भी नहीं था. कभी कभी बच्चों पे क्या होता है ना, प्रेशर होता है पेरेंट्स का कि नहीं साइंस लो, अच्छे बच्चे साइंस में जाते हैं, बट हमारे घर पे, मेरे घर पे वैसा कोई प्रेशर नहीं था. बट मुझे लगा कि मेरे ऑप्शंस ओपन रहेंगे और ऐसे अच्छा मैं मैनेज कर लूँगी, बट मैं नहीं कर पाई थी. सो विच इज़ आई थिंक, मैं अगर ह्यूमैनिटीज़ या कॉमर्स स्ट्रीम में होती तो आई वुड हैव परफॉर्म्ड बेटर. सो दैट इज़ आई थिंक वन, I mean, I can't say it's a regret, but yeah, it was definitely a wrong decision. But yeah, wrong decisions also teach you. So I learned something that you should know yourself, you know, you should know your strengths and weaknesses and accordingly you should take your decisions. और बड़ों की बात थोड़ी सी सुन लेनी चाहिए. Okay, choose between आंटी के हाथ का खाना और रेस्टोरेंट का खाना, मम्मा के हाथ का खाना for sure. मतलब मेरे पापा और मैं, जब भी घर पे बिरयानी बनती है मेरे पापा और मैं यही डिस्कस करते हैं कि मतलब रेस्टोरेंट में भी हमें ऐसी बिरयानी नहीं मिलती. टॉक अबाउट बिरयानी, तो बस एक एग्जाम्पल था. एनी थिंग, माई मॉम इज द बेस्ट कुक फॉर मी, शी इज अ मास्टर शेफ एंड आई एम कम्प्लीटली ऑपोजिट. ओके, लेट्स नॉट गेट इन टू दैट. डू यू वॉन्ट टू मीट? ऑफकोर्स आई एम गोना मीट यू टुमारो, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? Add 2 words about me. अरे बोल तो दिया तेरी तारीफ में इतना सब कुछ, अच्छा और क्या बोलूँ. You know, अच्छा, this is something very special that I'm gonna share right now about her. This video is going to be about you only, Abhilipsha, anyway. So
वेन आई मेड फ्रेंड्स विद दिस गर्ल नो आई वॉज इन अ वेरी लो फेज ऑफ फ्रेंडशिप जहाँ पे फ्रेंडशिप यू नो माई फ्रेंडशिप विद अदर पीपल वॉज जस्ट ब्रेकिंग लाइक बिस्किट्स सो या एंड आई थिंक शी इज़ वन ऑफ द स्वीटेस्ट पीपल आई हैव एवर कम अक्रॉस बेस्ट थिंग अबाउट हर इज शी हैज़ नो डर्ट फॉर एनी वन इन हर हार्ट शी इज़ वेरी क्लीन एंड दैट इज समथिंग विच मेक्स हर द बेस्ट आई फील सो हाँ बस इतना ही और ज़्यादा तारीफ करूँगी तो सर पे बैठ के नाचेगी वॉट वुड यू लव टू बिकम अ सक्सेसफुल लॉयर और एन यूट्यूबर विद मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स वाई डू आई हैव टू चूज वाई कांट आई हैव बोथ आई वॉन्ट टू हैव बोथ प्लीज सी नहीं दोनों चाहिए प्लस दोनों चाहिए प्लस 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 यार लॉयर इज मतलब दैट्स गोना बी माई प्रोफेशन बट देन यूट्यूब इज माई बिगेस्ट पैशन राइट नाउ सो आई डोंट नो बट आई थिंक इफ आई बिकम अ सक्सेसफुल लॉयर देन आई विल हैव मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब मतलब आई ऑल्सो हैव टू वर्क फॉर इट बट देन दैट विल बी लाइक अ चेरी ऑन टॉप सो आई डोंट नो आई कॉन्ट चूज यार आई रियली कॉन्ट चूज ऑल्सो इन जनरल अभी मेरा प्लान ये है कि मतलब अभी है वो आगे जाके चेंज हो सकता है कि लॉ करने के बाद शुड आई से इट राइट नाउ नो आई डोंट वॉन्ट टू बाद में दीपाली पांडे हाय दीपाली शेयर योर क्लैट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी एंड हाउ यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड ऑन डेज वेन यू डोंट वॉन्ट टू स्टडी नाइस क्वेश्चन दीपाली देखो जहाँ तक बात स्ट्रैटेजी की है ना आई डोंट गेट मी रॉन्ग आई डोंट वॉन्ट टू शेयर इट नॉट बिकॉज मुझे मतलब कुछ छुपा के रखना है नो इट्स माई लाइफ इज एन ओपन बुक राइट नाउ ठीक है आई लव शेयरिंग अबाउट माई प्रिपरेशन एंड द थिंग्स दैट आई डू इन माई प्रिपरेशन विद माई सब्सक्राइबर्स एंड माई फेलो क्लैट एस्पिरेंट्स बट द पॉइंट इज स्ट्रैटेजी मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि कभी भी कोई दो स्टूडेंट्स की स्ट्रैटेजी सेम नहीं होती यू माइट बी अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन देन मी ओके सम पीपल आर अर्ली राइजर्स सम पीपल आर नाइट आउल्स कुछ लोगों की पढ़ने की कैपेसिटी बस 7-8 घंटे होती है जैसे कि मेरी है मैं उससे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके नहीं बैठ पाती और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग 12-13 घंटे तक भी पढ़ सकते हैं विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड सो इट्स डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल राइट एवरी इंडिविजुअल विल हैव अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी सो द ओनली थिंग दैट आई वुड लाइक टू एडवाइज यू इज पहले अपने आप को समझो अपने पैटर्न को अपने पढ़ने के पैटर्न को समझो उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाओ एंड इफ यू रियली वांट टू नॉट रियली कॉपी बट फॉलो एनीबडी एल्स स्ट्रैटेजी देन आस्क मे बी पीपल हु हैव ऑलरेडी क्लियर्ड दिस एग्जाम बिकॉज यू एंड आई आर ऑन द सेम पेज आप भी एक एस्पिरेंट हो मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ मैं आपसे फिलहाल किसी भी चीज़ में बेहतर नहीं हूँ सो आई डोंट थिंक आई विल बी द बेस्ट पर्सन हियर टू गाइड यू बहुत सारे लोगों की मुझे ईमेल्स आ रहे हैं कि हमें टाइम टेबल बता दो हमें स्ट्रैटेजी बता दो मैं इसीलिए नहीं बता रही हूँ बिकॉज मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ अभी ऐसा मुझे लगता है आपको अगर इन सब चीज़ों के बारे में जानना है और इन सब चीज़ों पर वर्क करना है तो उन लोगों से पूछो जो लोग आपके मेंटर्स हैं जो लोग आपको गाइड करते हैं अगर आप किसी कोचिंग में जाते हो या फिर आप और किसी से हेल्प ले रहे हो उनसे पूछो ठीक है या फिर कुछ ऐसे लोगों से यू कैन कनेक्ट विद पीपल ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक यू नो पीपल फ्रॉम एनएलयूज बिकॉज दे हैव ऑलरेडी क्रॉस द फर्स्ट स्टेज एंड रीच्ड देयर राइट आई हैवंट सो या मतलब जो चीज़ मैंने खुद सक्सेसफुली अचीव अभी तक नहीं की है उस पर मैं आपको कैसे ज्ञान दे दूँ सो या दैट वॉज अबाउट क्या यार मेरी जबान इतनी अटकती है स्ट्रैटेजी दैट वॉज अबाउट स्ट्रैटेजी एंड हाउ डू यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड ऑन डेज वेन यू डोंट वॉन्ट टू स्टडी दिस इज अ प्रॉब्लम आई थिंक एवरी स्टूडेंट फेसेस देखो ये आई थिंक आई पिक दिस लाइन फ्रॉम अ सर अ टीचर ऑफ माइंड ही यूज टू से कि जब भी पढ़ने का बिल्कुल मन ना करे बिल्कुल ही ऐसे डीमोटिवेटेड फील हो रहा है टेक अ लिटिल ब्रेक एंड द नेक्स्ट डे जस्ट थिंक अबाउट द फर्स्ट डे द वेरी फर्स्ट डे वेन यू थॉट ऑफ स्टार्टिंग विद दिस प्रिपरेशन वेन यू स्टार्टेड विद द प्रिपरेशन द फर्स्ट डे ऑफ योर प्रिपरेशन ऑफ यू बिगिनिंग विद दिस प्रिपरेशन तब कितना जोश था तुम्हें कितनी ज़्यादा यू नो मोटिवेशन थी कि मतलब टॉप 5 एनएलयूज में आना है या फिर रैंक 1 लाना है या फिर टॉप 10 में आना है कितना कुछ कितनी एक बर्निंग डिजायर थी हमारे अंदर तो जब उस दिन के बारे में याद करोगे ना तुमको ऑटोमेटिकली मन करेगा पढ़ने को बट अगेन सबका फेजेस आता है पढ़ाई में देर आर डेज व्हेन आई डोंट फील लाइक स्टडिंग एट ऑल आई फोर्स माई सेल्फ टू स्टडी बिकॉज आई कैनॉट अफोर्ड लूजिंग टाइम टू बी ऑनेस्ट बट आई लूज अ लॉट ऑफ टाइम आई डू अ लॉट ऑफ टाइम पास इधर उधर का आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट विद यू बट क्या कर सकते हैं अभी जब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है मत पढ़ो डू समथिंग दैट यू लव डूइंग डांस सिंग सम पीपल लव कुकिंग डू दैट डू समथिंग विच मेक्स यू हैप्पी सो दैट यू नो द
द नेक्स्ट डे व्हेन यू सिट फॉर स्टडिंग यू आर मच मोर एनर्जेटिक एंड यू नो यू फील लाइक जस्ट कॉन्करिंग द वर्ल्ड. सो या दैट वॉज अबाउट इट दीपाली. आई होप आई हेल्प यू अ लिटल बिट. रोहित जोशी, हाय रोहित, वॉट वॉज योर स्कोर वेन यू फर्स्ट अटेम्प्टेड क्लैट मॉक एंड वॉट्स द स्कोर नाउ एंड हाउ डिड यू मैनेज टू इम्प्रूव इट? The first score that I received in my first CLAT mock was 25 and now I can say it has improved considerably. मतलब उस स्टेज से तो काफ़ी बेहतर हो गया है, but just being honest with you, I don't feel comfortable sharing it on the internet as of now. तो अगर future में comfortable feel होता है तो I'll share. अभी के लिए I'm not feeling comfortable. ठीक. और दूसरा, हाउ डिड यू मैनेज टू इम्प्रूव इट? बाय एनालाइजिंग माई मॉक्स. मतलब देखती थी कि कहाँ किस पोर्शन में गलती हो रहा है, यूज टू वर्क ऑन इट. और नेगेटिव ज़्यादा करती थी तो अभी अटेम्प्ट्स घटा दिए मैंने. मतलब जितने के बारे में श्योर होती हूँ और बस 10-15 तुक्के तो मारने ही होते हैं, यू नो, इन एन एग्जाम लाइक क्लैट देर आर अ फ्यू एरियाज वेर यू हैव टू फ्लंक. बट देन हाँ, बस इतना ही है. और ये सारी चीज़ें, लाइक आई सेड इन द प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ दीपाली एज वेल, कि ये सारी क्वेश्चंस ना, आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू गाइड यू विथ. आस्क समबडी हु यू नो डील्स इन टू ऑल दीज थिंग्स, हु हेल्प्स क्लैट एस्पिरेंट्स, मतलब हु इज़ अ टीचर और हु इज़ अ स्टूडेंट इन द NLUs. एंड अनदर क्वेश्चन, आई एम नॉट एबल टू कम्प्लीट माई एग्जाम ऑन टाइम. आई यूजली लीव 30 क्वेश्चंस अनरेड एंड देयरफॉर इट रिड्यूसेस माई स्कोर ड्रास्टिकली. I tried many methods to improve my reading speed, but it is of no use. So please help me deal with this. Looking forward to your reply. Okay. I understand your concern. What you can do is, कुछ platforms पे ना ऐसे sectional tests होते हैं, जैसे कि English का sectional test, legal का sectional test, GK का, वैसे logic का, QT का. तो आप उन sectional tests को अगर दोगे अच्छे से, तबियत से, तो आपको मतलब टाइम का अंदाजा होता है. वहाँ पे लिखा होता है ना कि लीगल सेक्शन के लिए 25 मिनट्स, मतलब उसमें ही आपको कंप्लीट करना है, उसके बाद वो सेक्शन बंद हो जाएगा. तो अगर आप उस टाइप के टेस्ट दोगे तो दैट विल इम्प्रूव योर स्पीड. और नॉवेल्स पढ़ने की, बुक्स पढ़ने की, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत बना लो, बिकॉज द क्लैट पैटर्न हैज़ बिकम वेरी रीडिंग ओरिएंटेड. सो यू हैव टू वर्क ऑन योर रीडिंग एंड इट्स ओके, यू विल बी एबल टू मैनेज इट रोहित, डोंट पैनिक. स्फूर्ति मूव्स, हेलो, How much time do you prepare for CLAT daily? अरे यार, क्या CLAT, this channel is not about CLAT only, no. अच्छा, खैर छोड़ो. डेली वही 7-8 घंटे की पढ़ाई होती है, बिकॉज ऑल्सो आई एम अ ड्रॉपर ना, सो आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू डू बट स्टडी. वट मेड यू चूज लॉ एज योर करियर? करियर तो खैर अभी बना नहीं, अभी पढ़ूंगी. अच्छा, इस पर बाद में एक पूरा वीडियो बनाऊंगी कि मैंने क्यों चूज किया, ठीक है, अभी इतना टाइम नहीं बोलने को. डिड यू फेस एनी डिफिकल्टीज वाइल प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट? अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज एंड आई एम स्टिल प्रिपेयरिंग. सो वंस आई एम डन विद दिस जर्नी आई विल शेयर. हाउ डिड यू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स एज यू स्पीकिंग सो वेल? आई एम स्पीकिंग सो वेल, यू रियली थिंक सो? थैंक यू सो मच, बट आई डोंट थिंक आई स्पीक वेल. मैम मतलब मेरी जबान तो बिल्कुल ही काबू में नहीं रहती है. एवरी टाइम आई स्विच ऑन द कैमरा आई एम लाइक ओके. बट हाँ, जस्ट बाय स्पीकिंग मोर. एंड आई रियली यूज टू, व्हेन आई वाज इन स्कूल आई रियली यूज टू पुश माई सेल्फ फॉर पब्लिक स्पीकिंग एंड आई थिंक आई एम गोना डू दैट एज वेल इन कॉलेज. सो या, जस्ट फेस एज मेनी डिबेट्स एंड स्पीच कॉम्पिटिशन्स एंड एक्सटेम्पो काइंड ऑफ थिंग्स, बिकॉज दे आर रियली गोइंग टू हेल्प यू इन द लॉन्ग रन. यू विल मेक अ मॉकरी ऑफ योर सेल्फ एंड पीपल आर गोना लाफ एट यू, पीपल आर गोना जज यू, बिकॉज यू आर गोना मेक मिस्टेक्स व्हेन यू डू इट, व्हेन यू अटेम्प्ट ऑल दोज थिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम. बट देन in the process you're going to improve and I'm still improving. So yeah, that is something. And also this YouTube channel is helping me a lot in developing my communication skills, because I'm talking ek side se ek taraf se, but then we engage in the comment sections and I feel like I have established a connect with my audience. So yeah, that has also helped me in kind of improving my communication skills, but I feel there's a long way to go. So yeah, that was it, Spurti, thank you. अच्छा, मेरे को ना ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी आए हैं जहाँ पे लोगों ने पूछा है कि व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ लॉ इन फ्यूचर, व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी टू बिकम सुप्रीम कोर्ट लॉयर, फ्यूचर स्कोप ऑफ लॉ इन इंडिया. भैया रहम करो, मैं उतनी अक्ल वाली नहीं हूँ. मेरे को ये सब अभी मतलब थोड़ा बहुत पता है, बट आप ये सब गूगल से आर्टिकल्स पढ़ के या फिर बहुत एक्सपीरियंस लोगों से बात करके जान सकते हो. मैं इस मामले में, अरे भैया, मैं मुझे कुछ नहीं आता है, मैं बस एक एस्पिरेंट हूँ. मैं आपकी जैसी एक नॉर्मल सी लड़की हूँ जो अभी तैयारी कर रही है सिर्फ एक लॉ कॉलेज में पहुँचने की, ठीक है. तो अभी जर्नी बहुत लंबी है मुझे वहाँ तक पहुँचने में. और ये एलिजिबिलिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट और इस फ्यूचर स्कोप ऑफ लॉ, ये यू विल जस्ट गेट टू नो अबाउट दीज थिंग्स बाय सिंपल गूगल क्लिक. ऑलराइट,
सो या दैट इज व्हाई आई एम नॉट टेकिंग अप दोज क्वेश्चंस, प्लीज डोंट माइंड, आई जस्ट स्पेसिफाइड माई रीजन हियर. मनीषा मीना, हाय मनीषा दी, आई वांट टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट योर यूट्यूब जर्नी. अच्छा चलो ठीक है. व्हेन डिड यू स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल? व्हेन यू स्टार्टेड योर यूट्यूब चैनल यू नो अबाउट बेसिक नॉलेज ऑफ एडिटिंग एट ऑल? आई मीन हाउ टू मेक और पुट थंबनेल एंड मेनी मोर थिंग, और यू लर्न ऑल थिंग्स आफ्टर स्टार्टिंग अवर यूट्यूब चैनल? आई लर्न एवरीथिंग आफ्टर स्टार्टिंग माई चैनल. जब मैंने, अगर आप मेरा पहला वीडियो देखोगे तो इट्स अ वेरी रॉ वीडियो. मतलब पहला वीडियो तो खैर इट्स अ बुक रिव्यू, जब मुझे यूट्यूब स्टार्ट करने का कोई प्लान भी नहीं था. बट हाँ, जो मैंने जून 2020 में, जब मैंने प्रॉपरली मैंने सोचा कि मुझे अभी यूट्यूब चैनल के साथ अपनी एक जर्नी शुरू करनी है और आई प्लान्ड इट, तो तब हाँ थोड़ा सा थंबनेल कैसा देना है, क्या करना है, उसके बारे में पोस्ट किया था. बट नहीं, एडिटिंग एंड ऑल इन दिस जर्नी आई हैव लर्न्ड, मुझे पहले से कुछ नहीं पता था और अभी भी मुझे कुछ नहीं पता है, बस बेसिक एडिट्स ही पता है और उसी पे मैं काम करती हूँ. अपार्ट फ्रॉम दैट, यू एडिट योर वीडियोज इन पीसी और लैपटॉप और इन मोबाइल? इन माई फोन, आई एडिट ऑल माई वीडियोज इन माई फोन. इन शॉर्ट इज द ऐप दैट आई यूज. अच्छा, हाउ मच यू स्कोर्ड इन योर 10th एंड 12th स्टैंडर्ड? इट्स अप टू यू, यू वांट टेल और नॉट? अरे नो प्रॉब्लम यार, 10th में आई स्कोर्ड 87%, वो बेस्ट ऑफ 5 जो भी होता है वो उसमें से, ICSE बोर्ड. एंड इन 12th आई स्कोर 65%, साइंस स्ट्रीम, ISC बोर्ड. सो या मतलब कोई शर्म वाली बात नहीं है, आई एम जस्ट बींग वेरी वोकल अबाउट इट बिकॉज आई वॉन्ट यू टू नो. जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि आई टुक अप साइंस बट आई कुड नॉट कोप अप विद इट, सो दिस इज अ लेसन दैट आई लर्न, राइट? सो आई एम जस्ट बींग वेरी क्लियर अबाउट इट कि अगर आपको पता है कि आप किसी चीज में स्ट्रांग नहीं हो, आप का वो एरिया वीक है, आप उसमें वर्क तो करो डेफिनेटली, बट देन कोशिश करो कि आपके स्ट्रेंथ्स को आप बेटर यूज करो. बिकॉज आई एम एन आर्ट्स पर्सन, ओके, एंड आई वॉज एन आर्ट्स पर्सन एज वेल जब मैं 10th में थी, बट मैंने कहीं ना कहीं वो अपने आप के बारे में रियलाइज नहीं किया एंड आई टुक अ रॉन्ग डिसीजन विच हैड एन इम्पैक्ट ऑफ माई ऑन माई लाइफ काइंड ऑफ, बिकॉज आई कुड हैव डन रियली वेल इफ आई वुड हैव टेकन ह्यूमैनिटीज. बट ठीक है, कोई बात नहीं, हम अपनी गलतियों से ही तो सीखते हैं, सो दैट्स ओके, दैट्स फाइन, और कोई बात नहीं यार, पूछ लिया, इट्स ओके. लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू सो मच मनीषा. वी सी योर इम्प्रूवमेंट एंड ग्रोथ, कीप ऑन गोइंग, वी ऑल आर विथ यू, योर हार्डवर्क सून पे. ओह, दिस इज सो स्वीट, थैंक यू, थैंक यू. कमल राव, हेलो कमल, ही हैज आस्क्ड मी योर बर्थ डेट. 21st of April, 21st of April, ईयर भी बताना सर. हाँ, 2002. हिमांशु बेहरा, ओ हाय हिमांशु, ही इज माय फ्रेंड, ही इज अ वेरी डियर फ्रेंड, माय स्कूलमेट. फर्स्टली कॉन्ग्रेट्स फॉर 400 सब्सक्राइबर्स एंड वेटिंग फॉर 500 सून. अरे यार, मतलब 10 सब्सक्राइबर्स बाकी है, कर दो ना, प्लीज प्लीज प्लीज, 500 हो जाएंगे, मतलब आई एम रियली वर्किंग हार्ड ऑन इट यार, कर दो प्लीज. यू विल बी एन इंस्पिरेशन ऑलवेज कैप, ओ हाउ स्वीट. आई एम आस्किंग टू नो योर थॉट्स ऑन दिस एंड यस, यू कैन टेक माई नेम, यू नो माई रेप्यूटेशन, राइट? ऑफकोर्स आई डू. सो वॉट डू यू थिंक वेन अ वर्ड कॉल्ड इंजीनियर पॉप्स इन टू योर माइंड? आंसर ऑनेस्टली, वॉट पिक्चर कम्स ऑन योर माइंड विद दिस वर्ड? आई एम बींग वेरी ऑनेस्ट, इंजीनियर सुन के ना मेरे दिमाग में मतलब बड़ी बड़ी ऐसे मल्टी नेशनल कंपनीज आ रही है, आई डोंट नो वॉट, इट जस्ट अकर टू मी एंड आई एम बींग वेरी ब्लंटली ऑनेस्ट विद यू. और मतलब पीपल विद ऑल दोज कोट सूट्स एंड फॉर्मल सेटअप, वो लोग फॉर्मल ड्रेसअप वो लोग आ रहे हैं, और जो टीवी में वो एड जाते हैं ना कि कुछ, आई एम सॉरी इफ आई एम सेइंग एनीथिंग रॉन्ग, बट वो येलो कलर का कुछ हेलमेट काइंड ऑफ पहन के कुछ सिविल इंजीनियर्स का जो काम होता है वो पिक्चर दिमाग में आ रही है. सो बस एकदम रॉ और ऑनेस्ट आंसर था, प्लीज डोंट माइंड, प्लीज एनीबडी, हिमांशु तो विल नॉट माइंड, ही इज माई फ्रेंड, बट आप लोग भी जो लोग इंजीनियर्स हो या पढ़ाई कर रहे हो, डोंट माइंड, बस रॉ थॉट था, इट अकर्ड टू मी एंड आई जस्ट सेड इट. हर्षिता पटेल, हेलो, हाउ डू यू रिकॉर्ड, मेक और एडिट योर वीडियोज? आई रिकॉर्ड माई वीडियोज फ्रॉम माई फोन, ओके, करंटली आई एम यूजिंग माई ट्राईपॉड, बट दैट्स द ओनली थिंग दैट आई हैव फॉर रिकॉर्डिंग माई वीडियोज. मतलब ट्राईपॉड तो आई वो समबडी गिफ्टेड इट टू मी, बट हाँ बाकी ऐसे फोन से ही करती हूँ जुगाड़ करके कुछ कुछ. मेक और एडिट योर वीडियोज, एडिटिंग के लिए दस अ वेरी बेसिक इन शॉर्ट नाम है उस ऐप का, यूज दैट. आई जस्ट क्लब ऑल द वीडियो पार्ट्स टुगेदर, और कभी कुछ फोटोज पिक्चर्स ऐड करने होते हैं ना तो वहाँ पे जाके मैं ऐड कर देती हूँ. इट वुड बी ग्रेट इफ यू मेक अ वीडियो ऑन दिस, हाईली रिक्वेस्टेड. आई नो हर्षिता, आपने एक बार पहले भी मुझे बोला था, मेरे दिमाग में वो है, बट
मैं उस पर वीडियो इसलिए नहीं बना रही हूँ बिकॉज मुझे जितना थोड़ा बहुत पता है मैं उस पर एक वीडियो बना चुकी हूँ. इट्स कॉल्ड हाउ टू शूट यूट्यूब वीडियोज़ फ्रॉम फोन. ठीक है, तो उसमें आई हैव शेयर्ड ऑल माई नॉलेज. हाँ, एडिटिंग का मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ बिकॉज आई हैव स्टिल नॉट मास्टर्ड दैट आर्ट. ठीक है, तो जिस चीज़ में मुझे खुद को उतनी ज़्यादा अकल नहीं है उसमें मैं आपको क्या ही ज़्यादा बताऊँगी. सो वंस आई गेट अ गुड होल्ड ऑफ इट आई विल पक्का मेक अ वीडियो. ठीक है, आई नो यू रियली वॉन्ट टू सी समथिंग लाइक दैट ऑन दिस चैनल. सो हाँ, आई हैव केप्ट इट इन माइंड एंड आई एम वर्किंग ऑन इट. जिस दिन मुझे आई फिगर इट ऑल आउट आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट. ऑल राइट. विनीता खंडेलवाल, डांसिंग और सिंगिंग. आई एम सिंगिंग मोर दीज डेज बट दैट डज नॉट चेंज द फैक्ट दैट आई एंजॉय डांसिंग मोर बिकॉज डांस हैज ऑलवेज बीन माई फर्स्ट लव. स्कूल में जब भी कुछ भी कॉम्पिटिशन्स होते थे आई लव्ड टू पार्टिसिपेट इन डांस. और भी एक सवाल है विनीता खंडेलवाल. विनीता खंडेलवाल यू भूमि राइट, शी इज माई जूनियर. सो शी हैज आस्क्ड सीनियर्स और जूनियर्स. आई हैव ऑल माई रिस्पेक्ट एंड ऑल माई लव एंड ऑल माई रिगार्ड्स फॉर माई सीनियर्स बट जूनियर्स यार मुझे प्यारे प्यारे बच्चे हो तुम लोग, मुझे बहुत प्यारे लगते हो. और मुझे जूनियर से जो प्यार मिला है, जस्ट बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैं कितनी बार बीइंग ऑनेस्ट बोल रही हूँ, आई एम जस्ट ऑनेस्ट, आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. बट जूनियर से जो प्यार मुझे मिला है स्कूल में, कॉलेज तो खैर अभी कॉलेज लाइफ शुरू नहीं हुई, जूनियर से जो प्यार मिला है वो मुझे सीनियर से उतनी अटैचमेंट मेरी बहुत कम सीनियर से हैं. देर आर वेरी फ्यू सीनियर्स आई एम स्टिल इन टच विद. सो या जूनियर्स. Fearless woman. Hey, I am a subscriber of your channel and I love your videos. Please create more content. We would love to see more of you. And मतलब ये उन्होंने मुझे नहीं बोला है, मैं उनको बोल रही हूँ. अच्छा, उनका सवाल मेरे से ये है कि your favorite cuisine. Indian? Yeah, Indian I think because I always crave for biryani and chicken kebabs and butter chicken and naan and छोले भटूरे. तो ये सारी चीज़ें तो मतलब इंडियन क्विजीन में ही आती है ना, तो मेरे को ये इस टाइप का खाना ज़्यादा पसंद है. सो या आंसर योर क्वेश्चन. कशिश. हेलो कशिश, टेल अस अबाउट योर क्लैट प्रिपरेशन. अच्छा ठीक है. लाइक हाउ वन शुड स्टार्ट इट्स प्रिपरेशन इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. बेटा ये तो मैं बिल्कुल बोलने के बिल्कुल ही लायक नहीं हूँ क्योंकि मैंने खुद शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में ये एग्जाम क्लियर नहीं किया था. I have spoken about this earlier. I am a dropper now because last year 2020 I appeared for CLAT and I could not clear it. So yeah, I tried to appear for it in a short span of time, 6 months of preparation, but I could not do it that well na. To matlab jo cheez main khud hi nahi kar payi main aapko kaise advice de du. So people who have cleared it, there are a lot of people who have been mailing me asking me 3 month preparation strategy, 6 month preparation strategy. Bhaiya maine khud hi nahi kiya hai to main aapko kaise batau hai, kaise bata du. बट हाँ, ऐसे बहुत सारे YouTube चैनल्स में दिखाते हैं 1 month स्ट्रैटजी, 6 month स्ट्रैटजी, तो आप देख लो वहीं से कुछ अपनी कुछ बना लो. मैं इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, आई एम सो सॉरी. माहिरुख हसन. हाय अलहमदुल्ला. अरे अरे, यू आर डूइंग ग्रेट एंड दिस इज एब्सोल्यूटली वंडरफुल आइडिया. वंडरफुल. अच्छा, Q&A का. ओ थैंक यू, आई एम ग्लैड दैट यू लाइक द आइडिया. If you have time, keep doing this as it is very encouraging. Okay, pakka, I'll keep doing these kind of things. Your favorite festival and why it's favorite? Achha, batati hun. So first of all, I'm a Bengali, so my favorite festival has to be Durga Puja because I think, see, I live in a nuclear family. It's just mom, dad and me, all right? But I belong to a joint family. So Durga Puja ke time mein hum apne घर जाते हैं जहाँ पे everyone else is staying, अपने फैमिली से मिलते हैं एंड इट्स लाइक इवेंट ऑफ द ईयर. और दुर्गा पूजा में मेरे को सही में कुछ, बिकॉज आजकल फेस्टिवल का वाइब जो है वो इतना घट गया है ना. मुझे हमेशा, मेरे पापा जब भी फेस्टिवल्स होते हैं घर पे तो पापा हमेशा बोलते हैं कि हम ना सरस्वती पूजा पे ये क्या करते थे और हम गणेश पूजा पे ये क्या करते थे. और पूजा है मतलब 15 दिन पहले से पढ़ाई वढ़ाई सब बंद और एकदम पूरा मोहल्ला मिलकर इंजॉय कर रहा है. एंड आई फील सो सैड अबाउट मी एंड माई जनरेशन कि हमने कभी उस टाइप के मजे किए ही नहीं है शायद फेस्टिवल्स में. तो फिर भी दुर्गा पूजा इज अ टाइम जहाँ पे आई मीट ऑल माई कजन्स एंड कब हम लोग एक दिन चाट खाने के लिए जाते हैं, एक दिन जब पूजा ख़त्म हो जाता है तो हमारे घर पे एक दिन बिरयानी पार्टी होती है. और उससे पहले मैं अपनी सिस्टर्स को भी मिलती हूँ उस टाइम पे, अपने सारे कजन से मिलती हूँ. हम लोग बाहर शॉपिंग के लिए भी जाते हैं कई बारी. तो या दैट इज़ माई फेवरेट टाइम ऑफ द ईयर. और उसके अलावा मुझे क्रिसमस बहुत पसंद है. क्रिसमस एंड न्यू ईयर का टाइम मुझे बहुत, मतलब इंडिया में तो खैर उतना ज़्यादा हाइप्ड अप नहीं है क्रिसमस, बट स्टिल आई लव द वाइब ऑफ क्रिसमस एंड न्यू ईयर. मुझे बड़ा ही क्यूट लगता है. बट माई फेवरेट इज दुर्गा पूजा फॉर श्योर. स्नेहल ईशा. हाय, यू रियली अ प्योर सॉल, थैंक यू, हग. सो हियर इज अ दिस एंड दैट.
एक सेकंड, मैं इसको जरा, हाँ, आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक आई थिंक, आई एम नॉट, मतलब आइसक्रीम मुझे सिर्फ चॉकलेट ही पसंद है, बाकी मैं, दिस इज अ वेरी अनपॉपुलर ओपिनियन एंड लॉट ऑफ पीपल आर गोना हेट मी फॉर दिस, बट मुझे बटर स्कॉच बिल्कुल नहीं पसंद है, और बिल्कुल ही नहीं, मतलब मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ, और जहाँ पे भी पार्टीज में, शादियाँ में, यहाँ पे तो वही ज़्यादा, मतलब वही ज़्यादा खिलाते हैं बटर स्कॉच, सो नॉट एन आइसक्रीम पर्सन, बट कोल्ड ड्रिंक्स आई लाइक, कोक. विंटर और समर, या विंटर मेरे को पसंद है बिकॉज ऑफ क्रिसमस एंड न्यू ईयर, और वो जो पूरा टाइम होता है साल का, वो दैट लाइक दे से इट्स द बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर, सो वो टाइम मुझे बहुत पसंद है, बट विंटर में बहुत दिक्कतें होती है, मेरे सर में डैंड्रफ हो जाती है, मेरे मुंह में पिंपल्स आ जाते हैं, मेरे होठ फट जाते हैं, सबके फटते हैं, मतलब मैं कुछ ऐसा नया नहीं बोल रही हूँ, और मैं आई एम नॉट अ पर्सन हु टेक्स वेरी गुड केयर ऑफ हर हेयर और हर स्किन, सो मेरे लिए तो मतलब आफत ही आ जाती है, और रोज़ रोज़ एक तो नहाना पड़ता है सर्दी में, दैट इज़ द मोस्ट इरिटेटिंग पार्ट, कोई नहीं बोलता ऐसी बातें, एनी वे, तो हाँ, तो विंटर, बट आई लाइक विंटर, बट आई थिंक आई एम गोना चूज समर बिकॉज आई वॉज बॉर्न इन समर, सो या वाई नॉट, माई बर्थडे कम्स इन समर. प्रिंगल्स और लेस, प्रिंगल्स, प्रिंगल्स. मेकअप और नेचुरल, नेचुरल. मेकअप आती नहीं है, नहीं आती है मेकअप, क्या करें बताओ, तो हैव टू, मतलब दिस इज हाउ आई लुक नेचुरली, सो ठीक है, मतलब ऐसी कोई सड़ियल सी शक्ल तो है नहीं वैसे भी, है भी तो क्या कर लूँ बताओ. होल डे स्टडी और होल डे चिल, आई वॉन्ट टू होल डे चिल, बट आई हैव टू, नहीं होल डे स्टडी तो मतलब मेरे बस की नहीं है, बट वाई नॉट अ लिटिल बिट ऑफ बोथ, मतलब स्टडी एंड देन चिल एंड देन स्टडी एंड देन चिल एंड देन. माँ और पा है, ये क्या मतलब बच्चों वाली सवाल है, माँ और पा, नहीं मुझे नहीं पता, बोथ, बोथ आर माई पेरेंट्स, दे आर लाइक दोनों आंखें ऑफ माइंड, सो आई वॉन्ट टू कीप बोथ, थैंक यू. $1 million or the chance to meet all your sub, अरे बाबा, I'll meet you all, what will I do with $1 million, मतलब मेरे को, सही बता रही हूँ कितने जीरोज होते हैं ना, वो भी नहीं पता $1 million में, शपथ, नहीं बिल्कुल नहीं पता, पता ही नहीं है, और इतने सारे पैसे मिल भी गए ना तो मैं शायद पागल हो जाऊँ कि करूँ क्या इतने सारे पैसों का, तो नहीं नहीं बिल्कुल नहीं चाहिए. I'll meet all of you, I'll meet 490 people who are a part of my channel right now. Thanks for answering. If you do, all the best for your exam. Thank you so much, Snehil. Tech Aram. Hello. You have a tech channel, I'm guessing. Nice talking style, ma'am. Thank you. I observe your starting videos. Very improvement. Keep it up, ma'am. अरे यार, ma'am मत बोलो. मतलब ऐसे थोड़ी होता है. मैं तो बच्ची हूँ. But anyway, thanks. अरे आपने कुछ सवाल ही नहीं लिखा. कुछ पूछ लेते तो मैं आंसर करती. But thank you so much. I really appreciate कि आप ऑब्जर्व कर रहे हो मेरा इम्प्रूवमेंट और मुझे हौसला दे रहे हो बेहतर करने की. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. और मेरे को तो मतलब मज़े ही आ गए, मतलब आंसर करके, इतने सारे सवाल आए थे, थैंक यू सो मच. मैंने ऑलमोस्ट सारे आंसर कर दिए हैं, और अगर कहीं पे कुछ मतलब कॉमन क्वेश्चन है तो मैंने स्किप कर दिया, सो प्लीज़ डोंट माइंड. बट हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 95% क्वेश्चन तो मैंने वैसे भी आंसर कर दिए हैं, और मेरे को तो मतलब बड़ा ही मज़ा आ गया, और 500 सब्सक्राइबर्स से हम लोग बहुत करीब हैं, तो मतलब ऐसे अगर आप थोड़ा सा सब्सक्राइब करके मेरे को थोड़ा सा ऐसे मतलब यू नो सपोर्ट करना चाहो तो कर सकते हो. बाय, आई लव यू ऑल, नमस्ते, बाय.